कमिश्नर एसएसपी के आदेश पर आबाकारी इंस्पेक्टर समेत दो आबाकारी सिपाही नगर कोतवाली पुलिस ने किए गिरफ्तार। गिरफ्तार आबाकारी इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों पर शराब माफियों से 3 लाख की रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप। गुरुवार की रात हापुड़ पुलिस ने शराब माफियों की अनुपशहर क्षेत्र में की थी गिरफ्तारी। अनुपशहर से गिरफ्तार शराब माफियों ने किया था खुलासा कि बीती 8 जनवरी को उसी डिवाइस क्षेत्र में आबाकारी इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों ने अवैध और अपमिश्रित शराब के साथ किया था गिरफ्तार। 3 लाख की रिश्वत देने के बाद आबाकारी इंस्पेक्टर ने आरोपी को माल छोड़कर भाग जाने के लिए कहा। आबाकारी इंस्पेक्टर ने माल की बरामदगी दिखाई लेकिन आरोपी को रिश्वत लेकर छोड़ दिया। हापुड़ पुलिस ने बुलंदशहर एसएसपी से किया संपर्क, दिखाई दिया साक्ष्य। साक्ष्य के आधार पर बुलंदशहर एसएसपी ने आबाकारी इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र चौहान और आबाकारी सिपाही होम सिंह और अनुज कुमार के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कराई गिरफ्तारी। ये दिनांक 21 जनवरी को हापुड़ पुलिस की अधिसूचना के आधार पर हापुड़ पुलिस और बुलंदशहर की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक दबिश दी गई थाना अनुपशहर क्षेत्र के अनिवास गांव में, जहां एक ब्रह्मपाल नाम का लाइसेंसी शराब का ठेकेदार है, उसकी एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला से 18 पेटी मिस इंडिया नकली शराब बरामद की गई और मौके से उसका सहयोगी विमल राघव गिरफ्तार किया गया। जब विमल राघव से गहराई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दिनांक 8/1/21 को वह सुबह करीब 8 बजे 8 पेटी अवैध शराब के साथ जा रहा था, तो उसे आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर सुरेश चौहान, कांस्टेबल खेम सिंह और कांस्टेबल अनुज, ये सभी आबकारी विभाग के हैं, इनके द्वारा रोका गया। रोक करके ये कार सहित, जिस कार में लगभग 8 पेटी अवैध मिस इंडिया मार्का शराब थी, उसको लेकर के ये लोग बुलंदशहर आए। बुलंदशहर आने के बाद ब्रह्मपाल, जिसका ये पूरा माल था, जो एक लाइसेंसी ठेकेदार भी है एक ठेके का, उसको इंस्पेक्टर के द्वारा बुलाया गया। एक 3 लाख रुपए की डील की गई और उस डील के बाद, पैसा लेने के बाद, जो गिरफ्तार करके जिसे लाया गया था उसे छोड़ दिया गया। और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और SDR एनालिसिस के आधार पर देखा तो गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा जो भी तथ्य बताए गए थे वो सही पाए गए। उस समय इंस्पेक्टर आबकारी और दोनों सिपाहियों की लोकेशन वहाँ थी जहाँ से उसके द्वारा पकड़ना बताया गया। फिर गिरफ्तार अभियुक्त के साथ साथ उनका बुलंदशहर तक आना और फिर बुलंदशहर पहुँचने के बाद ब्रह्मपाल ठेकेदार के नंबर पर इंस्पेक्टर द्वारा फ़ोन करना और उसका अनुपशहर क्षेत्र से चलकर बुलंदशहर तक आना और यहाँ से फिर उसे अपने साथी विमल राघव को लेकर वापस जाना प्रमाणित हुआ। विमल राघव द्वारा ये भी बताया गया कि जो 8 पेटी शराब उसकी कार से बरामद हुई थी उसे इंस्पेक्टर ने रख लिया था। आबकारी इंस्पेक्टर से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर वो 8 पेटी शराब भी इनकी अभिरक्षा से बरामद हुई। इस प्रकार चूँकि शासन की मंशा बहुत स्पष्ट है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की शासन की जो नीति है उसी के तहत हम लोगों के द्वारा इसमें ADM प्रशासन को भी इन्वॉल्व किया गया, SPCT को इन्वॉल्व किया गया और बहुत ही निष्पक्षतापूर्वक पारदर्शी तरीके से हर तरह से पूछताछ आज करने के बाद जब प्रमाणित हो गया कि वास्तव में इंस्पेक्टर आबकारी और उनके दो सहयोगी सिपाहियों के द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए मिस इंडिया शराब जो नकली थी उसे बरामद किया गया और फिर पैसे लेकर के अभियुक्त को छोड़ दिया गया, उस शराब को अपनी अभिरक्षा में रखा गया। इनके विरुद्ध 60A आबकारी अधिनियम और 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जय मेरा लाला। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर